अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, ये है जी 3x3 रूबिक्स क्यूब, जैसा कि आप सबको पता है। एंड मैं बिगनर मेथड को लेयर बाय लेयर समझाने वाला हूँ। फर्स्ट लेयर, जिसको हम वाइट लेयर भी जनरली बोलते हैं, आप वाइट ना कंसीडर करें, कोई और लेयर कंसीडर कर लें, तो उसके अकॉर्डिंग आपको बनाना पड़ेगा। अगर हम वाइट जनरली कंसीडर करते हैं तो सबसे पहले हमें वाइट क्रॉस बनाना होगा। अब ये कन्फ्यूजन आती है कि क्रॉस क्या चीज़ है। एक तो होता है क्रिस्ट क्रॉस, एक होता है प्लस साइन, जो कि आपने मैथमेटिक्स में रीड किया होगा। तो प्लस साइन को ही एक्चुअल में क्रॉस कहते हैं। जो क्रिस्ट क्रॉस है तो वो तो नेम से ही जाना जा रहा है, क्रिस्ट क्रॉस। ये नॉर्मल प्लस साइन, इसको हम क्रॉस कहते हैं। तो ऐसी कोई कन्फ्यूजन नेक्स्ट नहीं होनी चाहिए कि प्लस क्या चीज़ है एंड नॉर्मल क्रॉस क्या चीज़ है। और कुछ लोग प्लस को कुछ यूँ भी कंसिडर करते हैं कि यूँ क्रॉस बन रहा है। अब वाइट क्रॉस बनाने के मल्टीपल वेज हैं, मैं यहाँ पर सिंपलेस्ट वे आपको समझाने वाला हूँ। वाइट क्रॉस में आपने यहाँ पर वाइट, यहाँ पर एंड यहाँ पर वाइट लाना है, यानी कि एज पीसेस पर वाइट लाना है। वाइट फॉर एग्जांपल, ये बहुत इंट्यूटिवली आ जाएगा लाइक दिस। ये अगर वाइट है तो आपने इसको यूँ करना है, एंड हम इसी को यहाँ कर रहे थे तो यहाँ पर ऑलरेडी एक वाइट फिक्स हो गया, तो हम इसको इधर कर देते हैं। ज़रूरी नहीं है हमने इसको यहीं करना है, इसको हम यहाँ कर देते हैं, ये वाइट आ गया। अब दो और पीसेज हमने लाने हैं वाइट के लाइक दिस। एक ये है, इसको आप डायरेक्टली रोटेट कर दें, ये आ गया। एंड लास्ट पीस जो कि ये है, इसको अगर आप यहाँ करेंगे तो ये भी डिस्टर्ब होगा और ये भी सही नहीं लगेगा लाइक दिस। ना ये सही लगा और ना ही वो जगह पे रहा, तो हम ऐसा नहीं करते, इसको साइड पे ले जाते हैं। अब इस पीस ने यहाँ आना है। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, इसको यहाँ करके नीचे कर देते हैं, जो कि मिस्टेक है, तो आपने ऐसे नहीं करना। इसको अकॉर्डिंगली आपने अलाइन करना है। फॉर एग्जांपल लाइक दिस, ये पीस साइड पे गया जो कि ऑलरेडी सही लगा हुआ था, साइड पे गया, एंड ये आपने फिक्स कर दिया, एंड इसको आप रिस्टोर कर दें उस साइड को। यहाँ पर अगर आपने नोट किया है तो मैं जिस भी एज पीस के वाइट को ला रहा हूँ नीचे, उसका जो करस्पॉन्डिंग कलर है वो सेंटर के साथ मैच हो रहा है। तो यही तो बेसिकली आपने करना है। अगर आपका सेंटर के साथ मैच नहीं हो रहा लाइक दिस, ग्रीन एंड ऑरेंज, ये सेंटर के साथ इनके कलर्स मैच नहीं हो रहे, हाँ अलबत्त ये वाइट क्रॉस है ये सही बन रहा है, तो आपने क्या करना है, जो सेंटर रॉन्ग है उसको आप ऊपर ले जाएं, उसके करस्पॉन्डिंग सही कलर से मैच करें। अब लाजमी नहीं है ये ऑरेंज, यहाँ ऑरेंज ही सिर्फ ख़राब होगा आपका, कोई भी कलर आपका मिसप्लेस्ड हो सकता है। इस ऑरेंज को इसके साथ अलाइन करें, इसको नीचे कर दें। अगर हम इसे नीचे करेंगे, ये जो पीस ऑलरेडी रॉन्ग है, तो ये अपसाइड पे आ जाएगा, आ गया। अब इसको आप जो सही है इसके साथ मैच करें। फॉर एग्जांपल यहाँ अगेन कोई मिसप्लेस पीस होता तो वो भी आप ऊपर लाते, इसको आप नीचे कर दें। लाइकवाइज एक आपके पास केस यूँ भी आता है कि कोई भी आपने सही से नहीं फिक्स किया तो पता ही नहीं चला, लेकिन आप इतना लकी थे कि आपने ऑरेंज और रेड अपोजिट थे तो उनके अपोजिट आपने कलर यहाँ मैच कर दिए, एंड ग्रीन एंड ब्लू के भी आपने अपोजिट मैच कर दिए। जस्ट आपने ये करना है कि लेयर को रोटेट करना है एंड ये मैच हो जाएंगे, दैट्स नॉट अ बिग डील। एंड स्टिल अगर आपको डिफरेंट केसेस देखने हैं कि वाइट क्रॉस के कितने आ सकते हैं, तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। फर्स्ट लेयर बनाने में नेक्स्ट आपने करना है यहाँ पर भी वाइट लाने हैं। हो सकता है कि यहाँ पर ऑलरेडी आपका वाइट आया हो, एंड उसमें भी आपके पास चांस है कि वो सही प्लेस्ड हो और मिसप्लेस्ड हो। वाइट यहाँ नीचे लाने का क्या मीनिंग है, फॉर एग्जांपल हम देखते हैं ग्रीन एंड रेड से, इनका जो यहाँ पीस आएगा, यहाँ वाइट आएगा, यहाँ रेड के अकॉर्डिंगली रेड आएगा, एंड ग्रीन के अकॉर्डिंगली ग्रीन आएगा। एंड ये जो कॉर्नर पीस है, यहाँ ऊपर की लेयर में कहीं ना कहीं कॉर्नर्स में होगा। अगर ये वाला कॉर्नर पीस अपर कहीं लेयर के कॉर्नर्स में नहीं है, तो डाउन के किसी लेयर के कॉर्नर में मिसप्लेस्ड फिक्स होगा। एंड बाय चांस ग्रीन एंड रेड का कॉमन पीस उन्हीं के कॉमन में है बट मिसप्लेस्ड है, तो अगर ऐसा सीन आ जाता है तो सिंपल आपने एल्गोरिदम से इसे अप कर देना है। जो सिंपल एल्गोरिदम है इंट्यूटिवली भी आप कर सकते हैं, एंड एल्गोरिदम भी आप देख सकते हैं लाइक दिस। इसको ऊपर किया, उसको साइड पे किया, एंड जो आपने ख़राब किया पीस उसको रिस्टोर कर दें। अभी ऊपर आ गया पीस, तो ये तो एक किस्म का केस था कि अगर कहीं नीचे मिसप्लेस्ड हो तो आपने उसको ऊपर लाना है। अब नेक्स्ट आपने अगर फॉर एग्जांपल आपने ऊपर ला दिया, तो आपने उसके उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कॉर्नर में अपर लेयर में लाना, ये आ गया ओके। इसको अब आपने यहाँ पर सही प्लेस करना है। अब इसमें थ्री केसेज आते हैं, वाइट आइदर राइट पे फेस करता है, आपको फेस करता है, या अप साइड पे फेस करता है, हम तीनों डिस्कस करते हैं। प्रेजेंट केस में वाइट राइट पे फेस कर रहे हैं, तो वही सिंपल एल्गोरिथम आपने अप्लाई करना है, आर यू आर प्राइम, सिंपली लाइक दैट। ब्लू एंड रेड का भी हम देखते हैं, ये पीस था यहाँ पर था, हम इसको कॉमन में ले आए, वाइट राइट साइड पे फेस कर रहा था, हमने सिंपल एल्गोरिथम से इसको फिक्स कर दिया।
अब अगर आप ऑरेंज एंड ग्रीन का सीन देखें, इनका जो पीस है वो ये है, इसको आप कॉमन में लें। यहाँ पर वाइट हमें फेस कर रहा है, तो अगर ये हमें फेस कर रहा है तो उसी सिंपल एल्गोरिदम को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दें, इसको थोड़ा साइड पे करें। ये मैं इंट्यूटिवली भी बता रहा हूँ एंड एल्गोरिदम भी शो हो रहा है। इसको अप पे करें बिकॉज इसने इसी लेयर में आना है, इसको अप पे करें एंड उसको इधर फिक्स कर दें, एंड जो लेयर अप की थी उसको नीचे रिस्टोर कर दें। लाइकवाइज हम देखते हैं ब्लू एंड ऑरेंज का केस, इसमें हम देखते हैं वाइट अप साइड पर आ रहा है जो कि थर्ड केस था हमारा। यहाँ पर हम सिंपल एल्गोरिदम अप्लाई करते हैं, लेकिन यू दो दफ़ा करेंगे ताकि वो उधर उजे, बिकॉज अगर हम यू एक दफ़ा करेंगे तो वो तो नीचे दोबारा फिक्स हो जाएगा, उसको तो दोबारा हमने निकालना है। तो हमने पहले से ही यू दो दफ़ा अप्लाई किया ताकि वो उधर हो जाए, उसको रिस्टोर कर देंगे। अब ये वही पहले वाला केस बन गया कि वाइट राइट साइड पे फेस कर रहा है, हम इसको कॉमन में ले आए एंड इसको सिंपल एल्गोरिथम से फिक्स कर दिया। यहाँ पर आपकी वाइट लेयर या जो फर्स्ट लेयर है वो कम्प्लीट हो गए। एंड सेकेंड लेयर को कैसे सॉल्व करते हैं उसके पार्ट के लिए आप यहाँ पर क्लिक करें।